Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. और अभी तक आप लोग देख रहे हैं जो व्लॉग्स मेरे, वो सारे मेरे पाकिस्तान ट्रिप के व्लॉग्स हैं. आज का व्लॉग भी उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा है. तो आज जनाब ऑब्वियसली शादी के व्लॉग्स आपने देखे हैं, शादी के सारे व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए. शादी के बाद दावतों वगैरह का सिलसिला भी शुरू हो जाता है. और हम लोग सब वहाँ पे ही थे, पाकिस्तान ही में थे, मैं भी और मेरे भाई की फैमिली भी और बाकी सिस्टर्स भी. तो बस दावतों का सिलसिला भी साथ साथ में शुरू हो चुका था. सबसे पहले जो क्लिप मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, उसमें वो मैंने आपको गिफ्ट्स दिखाए हैं कि जो मेरी भाभी और उनकी फैमिली यानी मामू मामानी ने हम सब सिस्टर्स और हमारी बाकी फैमिली के लिए कपड़े भेजे थे. और ये हमारे यहाँ होता है, इस तरह से ये ट्रेडिशन है कि लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों के लिए ड्रेसेस बनाते हैं, उनको गिफ्ट्स में देते हैं, और इस तरह लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों के लिए बनाते हैं. तो खैर हमारे जो गिफ्ट्स थे वो ड्रेसेस की फॉर्म में आए थे. और यहाँ पर जनाब दावत की तैयारी चल रही है. सबसे पहले मेरी जो भांजी अभिया वो ब्राउनी बेक कर रही थी. और सबसे पहली जो दावत थी हमारे भाई की शादी की, वो हमारे ही घर पे थी. तो सारी अरेंजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छे से की, और मेरी सिस्टर अफशा ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इस दावत को अरेंज किया. काफ़ी सारी चीज़ें थी मेन मेन्यू में, और ये सब चीज़ें उसने घर पे बनाई हैं. सारी उसकी एफर्ट थी, मैंने भी हेल्प की है, लेकिन मेरी हेल्प सिर्फ सैलड्स और सैलड्स की हद तक थी. क्योंकि जिस दिन रात को दावत थी उस दिन मैं अपने बेटे के साथ उसकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे. तो मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन जो है ना वह हॉस्पिटल में ही निकल गया. और मैं जो हूँ काफ़ी टाइम के बाद घर पहुँची. तो उस वक्त तक अफशा ने जो है तकरीबन सारी कुकिंग जो है वो रेडी कर, सब कुछ तैयार कर लिया था, सब कुकिंग उसकी डन थी. तो बस मैंने सिर्फ एक काम किया है कि सैलड्स बनाई थी और ये वीडियो क्लिप्स जो है बनाए थे. ऑल दो कि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब था उन दिनों में, और ये सारे क्लिप्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन में बनाए थे, बच्चों के फ़ोन में. शादी की दावत में दूल्हा और दुल्हन जो है वो मेहमान खुसूसी होते हैं. और यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं यानी मेहमान खुसूसी वो आ चुके थे, और बस यहाँ पे मिलने मिलाने का सिलसिला भी चल रहा था. साथ ही मेरी भाभी वही ड्रेसेस जो हैं वो हमारे लिए एज अ गिफ्ट लाई हैं, तो वो हम सबको जो है हमारे ड्रेसेस दे रही हैं. खाने का मेन्यू कुछ इस तरह से था कि दो तरह की सैलड्स थी, जिसमें एक फ्रूट सैलड थी और एक ग्रीन सैलड थी. और डिज़र्ट भी दो तरह के थे, जिसमें एक बादाम वाली खीर थी और घर की बनी हुई होममेड ब्राउनी जो है वो अभिया ने बेक की थी. इसके अलावा जो है धुआं चिकन बनाया था मेरी सिस्टर ने, चिकन चीज़ बॉल्स थे, सीख कबाब थे जो कि वो भी मेरे ख्याल में चिकन के ही थे, हलीम बनाई थी बीफ की, और वाइट सॉस पास्ता था. इसके अलावा मटन कढ़ाई थी, और
दम का कीमा भी था। जी हाँ, बिहारी स्टाइल का दम का कीमा भी बनाया था, बाकी इसके साथ मटर पुलाव और नान वगैरह भी थे। ऑलमोस्ट जितना भी खाना था वो सब होममेड था, यानी सब चीज़ें अक्षय ने घर पे तैयार की थी और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत टेस्टी था, सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जिस दिन ये दावत थी उस दिन 21st of January की डेट, और 21st of January मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, यानी उस दिन मेरी बर्थडे होती है। तो मुझे नहीं मालूम था, जब खाना वगैरह और ग्रीन टी इंजॉय करने के बाद हम लोग सब रिलैक्स हो गए, मेहमान भी चले गए, तो मेरे बच्चों ने एक छोटा सा सरप्राइज़ जो है मेरे लिए प्लान किया हुआ था। और जनाब ये छोटा सा सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन हमें भी अच्छा लगता है कि कोई आपको आपके किसी ख़ास दिन के हवाले से याद करे और उस दिन को सेलिब्रेट करे, और इस तरह की छोटी छोटी खुशियां जो है ना वही लाइफ को स्पेशल बनाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस की जाएं। आप एक दूसरे को उसके किसी ख़ास दिन पे जो है थोड़ी सी अहमियत दे दें, थोड़ा सा उसके दिन को याद कर लें, तो वो भी उस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर बच्चों ने सरप्राइज़ दिया और अब वो भी चाहते थे कि उनको भी बदले में कोई ट्रीट मिले, तो यहाँ पर बच्चे आए थे मैकडोनल्ड्स आइसक्रीम खाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट थी, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही जो है ना लेट नाइट में भी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कि बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये मिड ऑफ़ द नाइट है। और आई होप कि आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और अगर हो सके तो वीडियो को मेरी जो है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।